हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी आपको सिंगल कलर की बहुत ही आसान एंड खूबसूरत स्वेटर डिज़ाइन। 3+1 4 के मल्टीपल पे ये डिज़ाइन बनेगी। एंड फोर क्या, हाँ मान के चाहिए एक बार, मतलब आप कितने भी आपके फंदे हों। मैं देखिए हमेशा ऐसे डिज़ाइन बताती हूँ ना जिसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बहुत सारी फ्रेंड हमारी ऐसी हैं जो सीख रही हैं, जो बिगनर्स हैं, देखिए उनको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो वो पहले ही समझ जाएंगे कि ये तो डिज़ाइन बनेगा नहीं, ये पता नहीं क्या बता रहे, कुछ समझ में नहीं। जो एक्सपर्ट हैं वो ऑटोमेटिक अपना एक फंदा दो फंदा इधर उधर कर लेती हैं, तो इसके लिए हमें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बता दूँ, आप 80, 90, 100 जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं आपने फंदे डाल लिए हैं, डिज़ाइन ही बनाना है तो आप इस डिज़ाइन को बना सकते हो। एक दो फंदे एक्स्ट्रा हैं तो आगे पीछे छोड़ दीजिए, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे भी होगा बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। जब भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी आप हमारे चैनल को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, जब आपको बनाना होगा तभी आप बना सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को हमने स्लिप किया राइट साइड, सीधे की तरफ से डिज़ाइन को शुरू करेंगे। स्वेटर के बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड सीधे की तरफ से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो पहले फंदे को स्लिप किया, धागा आगे, ध्यान से देखिएगा, एक फंदा उल्टा, ठीक, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब ध्यान से देखिएगा, एक फंदा यहाँ पर हमने सीधा बनाया। अब ये दो फंदे के बीच से, सॉरी गाइस, एक फंदा यहाँ पर हमने उल्टा बनाया। अब ये जो सीधा फंदा दिख रहा है, अब इसके और इसके बीच वाले फंदे से हमको लूप निकालना है। ध्यान से देखिएगा, लूप हमने निकाला, एक बार लपेटा एंड एक बार सीधा बुना जी, ठीक, एक हमने उल्टा बुना, ध्यान से देखिएगा। और दूसरे फंदे में हमने तीन फंदा बनाया। अब धागा आगे करेंगे, तीन फंदा उल्टा, 1, 2, 3, पहले स्टेज को छोड़कर, पहले फंदे को छोड़कर यही चार फंदे हमको बार बार रिपीट करनी है। कौन सी, एक फंदे में तीन फंदे और तीन फंदे उल्टा, देखिए धागा पीछे करेंगे, और ये इस दोनों फंदों के बीच से लूप निकालेंगे, लपेटा ये बुना, ठीक, स्लिप किया, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, 1, 2, 3। अब देखिए यही मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए अब एक बार अगर हम इसमें डिज़ाइन बना देंगे तो डिज़ाइन नहीं बनेगी क्योंकि लास्ट में एक ही फंदा, तो इन्हीं फंदों को भी हम ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे, ठीक। इसीलिए मैं कहती हूँ, इसीलिए ऐसे डिज़ाइन ही बताती हूँ ताकि आपको समझ में, जैसे मैं भी बना रही हूँ इधर एक दो फंदे, तो कोई बात नहीं, हमारी ऑलरेडी सिलाई में चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए आप बना रहे हो एंड आपको लग रहा है ऐसे कि इधर स्पेस हमारा ज़्यादा है स्वेटर में बनाना है, तो एक ही सिलाई आपको दिक्कत होगी, आप पहले से गिन लीजिए इसके बाद बना लीजिए, मतलब जैसे आप कंफर्टेबल हो, कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आप सीख रहे हो तो ऐसे ही बना लीजिए। मान लीजिए अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप यही एक सिलाई को एडजस्ट कर दीजिए, इधर जैसे 5 फंदे हैं तो 2 इधर और कर दीजिए, तो 4 इधर हो जाएंगे, 4 इधर हो जाएंगे, बाकी के बीच में आप अपने डिज़ाइन को बना लीजिए, हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब इधर से कितना आएगा आपका, जो उधर से उल्टा बना है 3 फंदा, इधर से वो हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, लेकिन इधर 5 फंदे हैं तो हम इधर से 5 फंदे बुन लिए, ठीक। अब ये जो 3 फंदे दिख रहे हैं जो मैंने बनाया है, धागा आगे करके उन 3 फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, धागा पीछे, मतलब उल्टे की तरफ जो उधर से दिख रहा है जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है। लास्ट के फंदे को आप चाहे उल्टा बना लो चाहे सीधा। तो ये देखिए बन गया, ये हो गया। अब देखिए उल्टे की तरफ हमने क्या किया, वही 3 सीधा 3 उल्टा 3 सीधा वैसे ही बना लिया। अब आ गए तीसरी सिलाई सीधे की तरफ, पहले फंदे को तो स्लिप कर लेंगे। अब देखिए ये 3 फंदा डिज़ाइन वाला, अब ये 1 फंदा, अब ये 3 2, इस फंदे को इस फंदे के साथ बुनेंगे ऐसे, अब बीच वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे ऐसे, और ये फंदे को पहले हम ऐसे टर्न करेंगे, सीधा करेंगे, फिर इस फंदे के
सात बुनेंगे। अब देखिए दो फंदा जो हमारा बढ़ा था, एक हमने इसमें घटा दिया, एक हमने इसमें घटा दिया, अब तो फंदे बराबर हो गए। अब धागा आगे करेंगे, एक ही फंदा बीच में बचेगा, उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे। अब देखिए इस फंदे को इस फंदे के साथ बुनेंगे, बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, अब ये फंदे को हम ऐसे टर्न करेंगे और इस फंदे के साथ बुनेंगे। अब धागा आगे, जो बचा वाला फंदा है उसे हम ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे। तो तीन सिलाई कंप्लीट हो गई पैटर्न की। लास्ट रो, चौथी सिलाई ऐसे ही करेंगे जो जैसे दिख रहा है। इधर चार ही फंदा है, उल्टा सीधा बुनेंगे, धागा आगे, तीन जो डिज़ाइन के फंदे हैं उसे हमें उल्टा बुनना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा। लास्ट के फंदे आप चाहे उल्टा बना लो चाहे सीधा। चार सिलाई कंप्लीट होगी, पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब इसी को आपको बार बार रिपीट करना है। अब देखिए फिर से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे कैसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे। ये अब ये बीच वाला फंदा आ गया, इसी में हमें बीच से लूफ निकालना है, एक फंदे का तीन फंदा बनाना है, फिर ये तीन फंदा उल्टा, एक ये एक ये एक ये, तीन फंदा जब उल्टा बनाएंगे फिर से ये बीच वाला फंदा आ जाएगा, इसमें हमको फिर से एक फंदे में तीन फंदे बनाने हैं, फिर से तीन फंदा उल्टा। तो इसी प्रकार से हम पैटर्न को रिपीट करेंगे। ठीक, आप जैसे मैंने आपको पहली सिलाई से चौथी सिलाई तक बताई है, यही चार सिलाई आप बार बार रिपीट करोगे तो ऐसा पैटर्न कंप्लीट होगा। ये देखें, ये राइट साइड, ये रॉन्ग साइड। अब बहुत ही आसान है, चाहे ऊन मोटे ऊन में बनाओ चाहे पतले ऊन में बनाओ। तो फ्रेंड्स आप इसे ट्राई करिएगा और हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो मिलेंगे ऐसे ही यूजफुल डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय।